अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मेथी मसूर खड़ी दाल। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, हमने मेथी की जो छोटी मेथी आती है उसकी 15 गड्ढी ले ली है, एक बड़ा कांदा है, 8 हरी मिर्च है, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1/4 टीस्पून हल्दी, नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 कप मसूर की दाल है। पहले हम पैन में तेल डाल लेंगे, 3 टेबलस्पून तेल डाल के ज़ीरा डाल लेंगे, थोड़ा ज़ीरा को ब्राउन होने देंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। इसमें कांदा डाल लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे इसे, ब्राउन नहीं करना है हमें कांदे को। हमने हरी मिर्ची को बीच में से काट लिया है, इसे डाल लेंगे। हमने मेथी को 3 पानी से धो लिया था, धो के रख लिया है, इसे पानी निचोड़ लेंगे मेथी का। हल्दी और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लेंगे इसके अंदर, मसूर की दाल डाल लेंगे। मसूर की दाल धो के रखा हमने, इसे भिगो के नहीं रखना है आपको, क्योंकि हम इसे खड़ी दाल बना रहे हैं, फौरन धोना है और फौरन इसमें डाल देंगे, इसे भिगा के नहीं रखेंगे। 1/2 कप पानी डाल लेंगे इसके अंदर। अभी पानी इसका सूखने तक का हम इसे पका लेंगे। देखिए इसका पानी सूख गया है, अभी भी दाल ये पकी नहीं है। अब इसमें हम मेथी डाल लेंगे, मेथी का भी पानी छूटता है इसमें, तो मेथी के पानी से ही ये दाल पक जाएगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जब तक इसमें पानी सूख ना जाए तब तक हम इसे पकाना है। देखिए पानी सूख गया है, लास्ट में हमें नमक डालना है। आप मेथी में कभी पानी नहीं डालते हैं और इसे ढककर नहीं पकाना है, वरना ये कड़वी हो जाती है। नमक डालने के बाद गैस बंद कर